Hey everyone, welcome back to my channel. तो सबसे पहले तो wish you a very happy Bengali New Year. तो आज के वीडियो में मैंने ये पहला बैशाखी मेकअप लुक क्रिएट किया है, तो आज मैं आपके साथ ये लुक शेयर करने वाली हूँ. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जॉनसन बेबी क्रीम लगा रही हूँ मेरी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए. तो अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद मैं यहाँ पे लाइक बायोटिक का एजलेस सीरम लगा रही हूँ. ये बहुत ही लाइट वेट सीरम है, ये आपकी स्किन को हाइड्रेट रखती है. तो इसे मैं अच्छे से पूरी फेस पे अप्लाई कर लूँगी ताकि मेरी बेस जो है वो बहुत ही स्ट्रांग हो. देन मैं यहाँ पे प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, और मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड की 281 प्राइमर. ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, ये आपकी स्किन में जितने भी पोर्स है ना उसको तुरंत ही हाइड कर देती है. फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की हाई कवरेज वाटरप्रूफ फाउंडेशन इन दी शेड 04, यानी नेचुरल न्यूट. ये मेरा शेड है, और उसको मैं डॉट डॉट करके पूरी फेस पे अप्लाई करूँगी. देन एक ब्रश की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. जब आप ब्रश से फाउंडेशन ब्लेंड करते हैं तो बहुत अच्छे से ब्लेंड होती है गाइस. तो आई विल रिकमेंड कि आप ब्रश से ही लाइक फाउंडेशन जो है वो उसको ब्लेंड करें. इसके बाद मैं अपने आईब्रोज़ को फिल कर लूँगी, और आईब्रोज़ को फिल करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की अल्टीमेट ब्रो इन दी शेड ब्राउन. ये बहुत ही अच्छा आईब्रो है, ये बहुत ही अच्छा आईब्रो पेंसिल है, और इसको मैंने लाइक पर्पल से ली थी. तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें. उसके बाद मैं अच्छे से अपने आईब्रो को लाइक उसकी जो पुली है उससे मैं अच्छे से कोम कर लूँगी. देन मैं यहाँ पे कंसीलर के लिए यूज़ कर रही हूँ ओलिविया का पेन स्टिक. ये बहुत ही अफोर्डेबल पेन स्टिक है, सिर्फ 100 रुपीज़ में. तो इससे मैं मेरी जो हाई पॉइंट्स, मतलब जिस जिस जगह को मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ उस पर ये मैं अप्लाई करने वाली हूँ. देन उसको सेम ब्रश से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. उसके बाद मैं पूरी फाउंडेशन और कंसीलर को मैबेलिन क्लियर स्मूथ ऑल इन वन कम्पैक्ट से सेट कर लूँगी. उसके बाद मैं अपनी हुडा ब्यूटी आई शेडो पैलेट से ये वाला कलर पिक कर रही हूँ, और उसको क्रीज के ऊपर प्लेस करते हुए अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, आउटर कॉर्नर पे फोकस करते हुए. इसके बाद पूरी आईलिड पे अच्छे से ब्लेंड करूँगी ताकि कोई भी हार्श लाइन ना दिखे. इसके बाद मैं अपने दूसरे आई शेडो पैलेट से थोड़ा सा डार्क कलर यानी डार्क ब्राउन वाला शेड पिक कर रही हूँ, और उसको मैं अपनी आईलिड की आउटर और इनर कॉर्नर पे अच्छे से प्रेस करूँगी, और उसके साथ ही अच्छे से ब्लेंड करूँगी. उसके बाद सेम ओलिविया पेन स्टिक से मैं अपनी क्रीज को कट करने वाली हूँ, मतलब आईलिड के ऊपर थोड़ा सा कट क्रीज कर रही हूँ. उसके बाद मैं अपने कट क्रीज के ऊपर मेरी अल्ट्रा शाइनी SFR गर्ल की जो पैलेट है उससे ये वाला कलर पिक करके वहाँ पे प्लेस करने वाली हूँ. ये बहुत ही घटिया, लाइक आई डोंट नो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये आई शेडो. ये बहुत ही, मतलब सिर्फ ऊपर ही है, मतलब बहुत ही ख़राब लगा मुझे. मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी आपको लेने के लिए, बहुत ही घटिया पैलेट है. देन मैं जितने भी डस आउट है उसको अच्छे से, मतलब फॉल आउट है उसको डस आउट करूँगी. देन
देन अगेन मैं अपनी हुडा ब्यूटी आई शेडो पैलेट से ये ब्लैक वाला कलर पिक कर रही हूँ और उसको मैं अपनी लॉरलेस में अप्लाई करूँगी और हल्का हल्का स्मच करूँगी ताकि कोई भी हार्श ना दिखे। उसके बाद मैं यहाँ पे फॉल्स आई लैशेस यूज़ कर लूँगी। उसके बाद कंटूरिंग के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ सिवाना की 3-in-1 पैलेट, वहाँ से मैं ये कंटूर कलर पिक कर रही हूँ और उससे मैं अपने लिए चेहरे को थोड़ा बहुत कंटूर करूँगी, थोड़ा बहुत अपनी नोज को, देन चिकबोन एरिया, देन थोड़ा सा फॉरहेड पे और जॉ लाइन को अच्छे से लाइक कंटूर करूँगी। मैं बहुत ज़्यादा कंटूरिंग प्रेफर तो नहीं करती हूँ पर थोड़ा बहुत कंटूर करना चाहिए आपको ताकि आपकी जो फेस है वो लाइक थोड़ा सा शार्प दिखे। सेम पैलेट से मैं ये ब्लश कलर पिक कर रही हूँ और उसको मैं अपने लग चीक पे अप्लाई करूँगी। हाइलाइटर के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सिवाना की हाइलाइटर। यहाँ इस हाइलाइटर में बहुत सारी शेड है तो आप ये ले सकते हो। उसमें से मैं गोल्डन और पर्ल कलर पिक करके उसको अपने हाई पॉइंट्स पे यूज़ करूँगी, जैसे चिक बोन, ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड्स बो, फॉरहेड पे। लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ NYB की लिप क्रियॉन इन दी शेड 30, बहुत ही अच्छा कलर है। उसके बाद मैं अपनी पूरी फेस को अच्छे से सेट कर लूँगी और यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ किस ब्यूटी की ग्रीन टी मेकअप फिक्सर, उसको मैं अच्छे से अपने फेस पे स्प्रे करूँगी, देन एक ब्यूटी ब्लेंडर के मदद से अच्छे से प्रेस करूँगी पूरी फेस को ताकि मेरी जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। और ये है मेरी फाइनल फिनिश लुक। मैंने छोटा सा बिंदी और ये इयररिंग्स लगाई है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करिएगा। एंड या प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो बेल बटन है उसको भी हिट करिएगा।